हमारे साथ खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाह साहब बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। अली साहब देखिए, हमने पहले भी कई बार युद्धों को लेकर चर्चा की है, कई युद्ध हमने देखे भी हैं इससे पहले, लेकिन अगर बात की जाए ये जो संघर्ष लगातार चला आ रहा है इसने तमाम दावों को यहाँ पर फेल कर दिया है। हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके के दावे जो लोग करते हुए आ रहे थे, तो तमाम एक्सपर्ट्स जो थे वो लगातार अलग अलग तरीके के दावे कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके का हमला कल हमने देखा, ईरान अब फ्रंट फुट पर आकर हमला कर रहा है और इसराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब अगला निशाना जो है वो ईरान होगा, कैसे देख रहे हैं आप? जी आपने बिल्कुल सही बात की है साहिल भाई। देखिए, हमको ज्योग्राफिकली ईरान को थोड़ा हल्का सा समझना पड़ेगा। देखिए, ईरान जिसको हम पर्शिया के नाम से भी जानते हैं वो वेस्ट एशिया में है, उसकी बॉर्डर पे तुर्की और नॉर्थ वेस्ट में आता है इराक, वेस्ट में आता है अजरबैजान, आर्मेनिया, कैस्पियन सी भी वहां पड़ता है तुर्कमेनिस्तान, नॉर्थ में पड़ता है अफगानिस्तान, ईस्ट में पड़ता है पाकिस्तान, साउथ ईस्ट में पड़ता है गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ जो साउथ में पड़ता है। ओके, तो अगर ज्योग्राफिकली हम ये इलाका देखें और देखें कि अगर जमीनी हमला अगर इन पे होता भी है, चलो हवाई हमला नहीं, मैं जमीनी हमला की बात करता हूँ, तो कहाँ से किस ओपनिंग से यहाँ पर अगर यहाँ पे सैनिक कोई घुसने वाले होंगे इसराइल के या कहीं से भी, तो कैसे घुसेंगे पहली बात तो। अच्छा, दूसरी बात, हवाई हमला बिल्कुल मुमकिन है और मुझे लगता नहीं कि इसराइल छोड़ेगा ईरान को। इसराइल ने डिक्लेयर कर दिया है कि वक्त उनका होएगा, जगह उनकी होगी, तय वो करेंगे। ऐसे करके अब तनाव तो बिल्कुल बड़े हुए हैं, उरूज पे है अभी इस टाइम पे तनाव। और ईरान ने भी बोला ये तो बस ट्रेलर था, हम तो बस अगला हमला जो होगा और इससे घातक होएगा। भाई 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागना जिसमें कोई नुकसान ना हो, नहीं हुआ हो भलाई, क्योंकि आयरन डोम सिस्टम उनका इसराइल का तकनीकी है, अमेरिकन ने रोक लिया था काफी कुछ, तो ये घातक इसमें इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका ने तो बोला है हमारे जो अलाए हैं इसराइल हम उनके साथ में खड़े हैं, बल्कि उनको जो हथियार गोलीबारी असला बारूद सप्लाई करते हैं और तेज तराके से हो रहा है। जापान के प्राइम मिनिस्टर का भी बयान आया, उन्होंने ये नए प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने बोला है कि ने कंडेम किया है जो ईरान ने हमला किया था इसराइल पे और बोला है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर कि ये वॉर एस्केलेट ना हो और आगे ना बढ़े। इसमें इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के, इन्होंने इस पे बयान दिया है। तो ज्योग्राफिकली मैं आपको बताया ईरान की ज्योग्राफिकल डायनेमिक्स, अब जो इसका जो पर्शियन एथनिक पॉपुलेशन है जो 90 मिलियन इस इलाके में 1,16,48,195 किलोमीटर यानी कि 6,36,372 स्क्वायर माइल्स पे पड़ता है और 17 ग्लोबली इनकी रैंकिंग है ज्योग्राफिकल साइज में पूरे पॉपुलेशन के मुताबिक। तो इतनी पॉपुलेशन अगर इन पे हमला होता है, हवाई हमला भी होता है, तो नुकसान तो इसमें ईरान का बहुत जबरदस्त होएगा। इनके जो जो हेड ऑफ स्टेट इनके जो है पेशकिन साहब जो न्यूली इलेक्टेड 2-1 महीने पहले कि हम ईरान हमला करेगा इसराइल पे, तब तक ताक लगाई जा रही थी, लोग सोच रहे थे ईरान हमला करेगा कि गिदर बपड़ी भपकी दे रहा है कि हम, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, जो गरजते हैं वो बस गरजते ही रहेंगे, बरसेंगे नहीं। लेकिन अगर जो गरज रहा है, क्या पता वो बरस भी जाए, तो हम इंतजार तो नहीं कर सकते कि वो जब बरसेगा तब, तो है ना साहिब भाई। तो अभी ये ऐसा पेचीदा मामला हो गया है कि ईरान और इसराइल, इसराइल पहले तो शुरू हुई थी 7 अक्टूबर के बाद इसराइल और हमस के बीच में, फिर इसराइल ने गाजा पट्टी को खाली कर दिया, समाप्त कर दिया। जो प्रेसिडेंट अब्बास साहब है उनने बोला है कि कुछ नहीं बचा है गाजा पट्टी के अंदर। फिर इन्होंने हमस से फोकस हटाया अपना हिजबुल्ला की ओर, हिजबुल्ला के चीफ का खात्मा कर दिया अभी 2-3 दिन पहले। अब देखिए ईरान ने को आया ग्रुप, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ईरान ने हमला कर दिया इसराइल पे, अब इसराइल अभी चुप बैठा हुआ है, वो जब गरजेगा तो जबरदस्त गरजेगा क्योंकि इसको वेस्टर्न पावर्स का भी सपोर्ट है। और ये पेशकिन साहब ने भाप लिया था कि ईरान अगर हमला करता है, जब भी करेगा, तो उसमें नुकसान उनका होएगा, 100% होएगा। और इसमें तो ये बात है
और ईरान ने बहुत डेयरिंग स्टेप ये लिया है, अपने चादर से आगे जाकर इन्होंने हमला किया है, और ईरान चाहता है कि वो गल्फ में जितने भी मुस्लिम राष्ट्र है उनका नेता बन जाए, जो स्टेटस सऊदी अरेबिया का है सबसे बड़ा वहां पे होने का, वैसे ईरान चाहता है कि भी इस तरीके का स्टेटस उनको मिले। अब जो ईरान जो पर्शियन जिसके नाम से हम जानते भी हैं, वो डिवाइडेड है 5 रीजन्स में 5 भागों में और 31 प्रोविंस है, और तेहरान जो है वो केवल फाइनेंशियल कैपिटल ही नहीं फाइनेंशियल सेंटर भी है ईरान का। तो अलग अलग तरीके हैं, केवल अगर बमबारी करें ईरान पे, यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन भी है, केवल ये 17 सितंबर को दिखा दिया, हालांकि ये कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है कि ये इसराइल ने ही किया था, जो लेबनन पे जो हमले हुए थे साइबर अटैक हुआ था पीजर वॉकी टॉकी, यानी कि कहीं पे भी कोई भी कैसे भी तरीके से महफूज नहीं है। अगर हम वॉर जोन में ना भी हैं तो भी अपने टीवी या लैपटॉप आईपैड या मोबाइल फोन से कहीं पे भी हमला हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखें तो जी हाँ, इसमें कामयाबी तो ईरान इसमें भुगतेगी, क्योंकि कितना लंबा स्टैमिना कितना लंबा जंग ये ईरान इसमें ये खींच पाएगी ये और देखना बाकी है। मैं ये बोल के समाप्त करूंगा कि अप्रैल के महीने में हमने देखा था कि ईरान ने भी एक सिंबॉलिक अटैक किया था इसराइल पे, जहां पे कोई कैजुअलिटी कुछ हुआ नहीं था, सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में उनके गोले गिरे थे, 130 मिसाइल्स दागे गए थे और 110 बल्कि और 30 जो है वो इफेक्टिव थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा खास ईरान उस टाइम पे इसराइल का बिगाड़ नहीं पाया। और यहाँ पर हालांकि ईरान ने बोला है कि हमने केवल 3 मिलिट्री टारगेट्स को हमने टारगेट किया था, हमने सिविलियन बिजनेस को टारगेट नहीं किया था, मोसाद जो इसराइल की स्पाई एजेंसी है उनके हेडक्वार्टर पे भी टारगेट किया था, मगर इसराइल कहता है कि नहीं, इन्होंने रेस्टोरेंट पे और स्कूल पे और उनके सिविलियन एरिया पे भी टारगेट किया था, और इसराइल ये कहता है कि कोई नुकसान हुआ नहीं, ईरान कहता है नुकसान हुआ। तो जब जंग होता है सबसे पहले खामियाजा होता है, खात्मा होता है सच्चाई का, ट्रूथ का, इंफॉर्मेशन दोनों साइड से आएगी साहिल भाई, क्योंकि वॉर जोन में इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल अली साहब, आपने बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ प्रकाश डाला है, लेकिन आपने एक कहावत यहाँ पर कही थी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, लेकिन यहाँ तो गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं जिस तरीके से हमने कल देखा। साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर बहरहाल हम बात करें कि जिस तरीके का हमला ईरान ने यहाँ पर किया है, और अब इसको या तो डेयरिंग मूवमेंट माना जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बड़ी बेवकूफ़ी यहाँ पर ईरान ने कर दी है, या ये भी हो सकता है कि एक बड़ी रणनीति के तहत ईरान ने ये बड़ा हमला यहाँ पर इसराइल पर कर दिया है, क्योंकि कई तरह के सवाल हैं जिसके जवाब जो हैं वो अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन स्थितियाँ जो हैं वो गंभीर बन रही हैं ये साफ दिखाई दे रहा है। और अब खुले तौर पर इसराइल को ये छूट मिल गई है कि अब वो अपने ऊपर हुए हुए हमले का तगड़ा हिसाब जो है वो यहाँ ईरान से भी लेगा, और हिजबुल्ला और बाकी जो संगठन है जिन पर वो लगातार हमले कर रहा है वो तो हमने देख ही लिया है। सर भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है, आपने बिल्कुल ये सटीक तरीके से आपने बताया है कि देखिए एक चीज पे हमला करना कहीं पे, अगर आपको मालूम है कि आपके पास वो ताकत शायद ना हो, या तो वो डेयरिंग स्टेप होएगा या तो उसको बेवकूफी कहेंगे, तो इसमें एक बहुत थिन फाइन लाइन होती है इसमें। बिल्कुल। अब हल्का सा जैसे कि ईरान का जो है जो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ से माना जाता है वो लोअर पैलियोलिथिक के टाइम से एग्जिस्टिंग है, जो उनका पहला यूनिफाइड और स्टेट था वो डियोसिस 7th century BC में, और जो रीच टेरिटोरियल हाइट्स 6th century BC में उसको हुआ था, जब साइरस द ग्रेट ने फाउंड किया था आर्कमेंड एम्पायर, उसमें तो एक लार्जेस्ट एशियन हिस्ट्री का अलेक्जेंडर द ग्रेट जो सिकंदर साहब थे उन्होंने कॉन्कर किया था एम्पायर 4th century में और बीसी में, और फिर ईरान का जो रेबलियन एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो पार्थियन एम्पायर जो 3rd century BC में हुआ था, और लिबरेटेड बाय द कंट्री उसमें हुआ था, फिर वो सक्सीडेड बाय उसके बाद ससरियन एम्पायर आया, और फिर 3rd century AD में। फिर ईरान का अगर हम इतिहास निकालेंगे और देखेंगे कि इतिहास करना क्या चाह रहा था, वो अभी क्या है कि ईरान के अंदर मेजोरिटी तो शिया है जी। और ये जो यहाँ पे जो हिजबुल्ला भी एक शिया ग्रुप है बेसिकली, जो इनके जो लीडर हैं जिनको अभी मारा गया था, ये 82 में जब ये हिजबुल्ला फॉर्म हो रही थी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर से ही आई थी, और इनके लीडर को भी ये
इसराइल ये ईरान में थियोलॉजिकल स्टडीज पढ़कर आए थे, ठीक, इराक भी गए थे, इराक में सदाम हुसैन ने एक मूवमेंट चलाई थी कि जितने भी शिया हैं उनको वहां से निकालने के लिए, एक्सपेल करने के लिए। तो इसके लिए ईरान का झुकाव हिजबुल्ला की तरफ बिल्कुल है। अब तक ईरान जो है एक प्रॉक्सी वॉर लड़ा था हिजबुल्ला के और अली जी मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ही था। हमारे पास समय थोड़ा सा आज कम है, तो मैं चाहूँगा, क्योंकि आप वॉर की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, आपने कई वॉर्स देखी भी हैं, तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ईरान अब खुलकर सामने आ गया है, और जब कभी इस तरीके का संघर्ष होता है जो हम लगातार देख रहे हैं इसराइल और तमाम जो ये संगठन है उनके बीच, और अब ईरान जिस तरीके से खुलकर सामने आया, तो कहीं ना कहीं एक रणनीति तो ईरान ने भी यहाँ पर बनाई होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईरान बिना किसी रणनीति के बस एक जल्दबाजी में या दबाव में ये बड़ा अटैक यहाँ पर ईरान की तरफ से कर दिया गया है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, जल्दी से कम शब्दों में, कि अब क्या ये संघर्ष वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? फटाफट। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए वर्ल्ड वॉर 1 जैसे कि 1914 से लेकर 1918 तक जो एक वॉर चला था, उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर जब अमेरिका 1918 में इसमें कूदी दिया गया, तो और जो वर्ल्ड वॉर 2 चला था, इन दोनों में फर्क था एक्चुअली। ये बहुत ही अलग अलग तरीके थे। अब वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते हैं कि भाई यूएन जब फॉर्म हुआ था, यूएन का मेन मकसद है कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होना बोला है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो यूएन डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मगर हम लोग एक कल्पना करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 की तरह होगी। मैं एक एनालिस्ट से बात कर रहा था, वो पैरा कमांडो है, उन्होंने कहा था कि भाई आपको क्या पता कि यही वर्ल्ड वॉर 3 हो, ऐसा कह रहे थे। मैंने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखा कि भाई हमारे जहन में कल्पना है कि वर्ल्ड वॉर यानी कि सारे देश, अभी आप देखिए रूस और यूक्रेन का जंग हो रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव है, आप देखिए इसराइल फिलिस्तीन, इसराइल गाजा पट्टी, इसराइल ईरान, इसराइल लेबनन, आप देखिए चाइना ताइवान, आप देख लीजिए, आप दुनिया भर में देखिए तनाव जारी है बिल्कुल। और अगर डॉट्स ज्वाइन करते हैं, लोग बोलेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो जाएगा ही नहीं, कहना बड़ा आसान है, लेकिन कुछ पता नहीं भविष्य का, हमको अगले पल का नहीं पता कि हम कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, हमें कल नहीं पता, तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, ऐसा मुमकिन हो भी सकता है। साहिल जी चलिए